तो वेलो, कैसे हो आपका वैम की जीत। फिर से एक नया धमाकेदार वीडियो के साथ। भाई अगर आप लोगों ने स्टेज वन क्लियर नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है, और अगर कर लिया तो बधाई हो आप सब लोगों को। अभी आप सब लोगों को पता है कि दो तीन और मैच होने वाले हैं हमारे, हर वीक स्टार्ट होने वाला स्टेज वन का, उनको क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर ये वाला जो मैच था वो आप लोगों ने बहुत ही मुश्किल से क्लियर किया है, तो आगे जो मैं टिप्स देने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है आप लोगों का। सबसे पहले तो देखो, बेस्ट गन समिट आपके पास होना चाहिए। अगर मैंने वीडियो बना दिया, नीचे लिंक मिल जाएगा। अगर आपके पास बहुत ही अच्छा अटैचमेंट नहीं है तो जाके वीडियो देख लेना। पूरे 10 अटैचमेंट है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो जो सबसे अच्छा लगता है आपको। अब गेम के ऊपर बात करते हैं। भाई पूरे महीने ये स्टेज वन चलने वाला है। आपको सारा जितने भी गेम हमको देखने को मिलेगा, जैसे कि यह साइड में लिखा हुआ है, अभी 7 अप्रैल से स्टार्ट होगा, फिर 14, फिर 21, 21 से 24 के बीच में ख़त्म हो जाएगा। मतलब 24 तारीख तक लास्ट स्टेज वन ख़त्म हो जाएगा। मतलब 3 वीक और चलने वाला है, और 3 वीक में जितने भी हैं उनको क्लियर करना पड़ेगा हमको, ठीक है। सबसे पहला जो टिप्स होने वाला है वो आप अपने फ्रेंड के साथ खेलो गेम, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आपके तरफ से किल जाता है आप उनको बोल के होल्ड करवा सकते हो, और अगर रैंडमली गेम खेलते हो आप रैंडमों के साथ, आप उनको बोलोगे वो लोग नहीं मानेंगे, ऐसा ही चलता है। आप सब लोगों को अच्छे से पता कि रैंडम लोग किस तरीके से गेम खेलते हैं। और दूसरी बात, आपको रैंडमली गेम नहीं खेलना है, आपका जो फेवरेट है या तो टीडीएम डोमिनेशन, जो आपका फेवरेट है वो मैच लगाओ और वही खेलो, ज़्यादा ईजी रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों के ऊपर जिनके अपोनेंट टीम में भाई हमेशा हार्ड प्लेयर आते हैं, और खुद का जो रैंडम टीम होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होता है और किल जाते रहता है। तो उनके लिए एक तरीका ये है कि आपका जो रैंक है वो आप पुश मत करो, उल्टा उसको नीचे कर लो किसी तरीके से, जिससे ईजी प्लेयर आए और आप उनको अच्छे से मार सको, ठीक है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखो, पहली बात, हमको क्वालिफाई करने के लिए 60 पॉइंट की ज़रूरत होती है, जबकि अगर आपका रैंक लेजेंडरी में है तो पर मैच का आपको 20 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब लेजेंडरी में 25 मिलते हैं, ग्रैंड में 20 पॉइंट मिलता है, मतलब कि 3 मैच में निपट जाएगा। और बाकी के अगर नीचे 18, 16, 12, 10 जितने भी आते, टोटल बात यह है या तो 6 मैच आपको जीतना है या तो 4 मैच जीतना है। मैक्सिमम अगर कम से कम आपका रैंक हो तो वो होना चाहिए प्रो, क्योंकि प्रो रैंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सामने वाले टीम भी बहुत ही ज़्यादा इजी आएगा, और आपको भाई 16 पॉइंट मिलने वाले पर मैच में। मतलब कि इजी टीम भी आ गया, आपका पॉइंट भी ऐड हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 मैच आपको जीतना होगा, अब सारा काम निपट जाएगा। इतना इजी था, ये बात आपको समझ में आया होगा कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ। और अगर आपका रैंक कम है, आपका फ्रेंडों का भी रैंक कम है, फिर जाके आप अगर गेम खेलते हो, तब तो भाई सोने पे सुहागा कि आपके टीम भी खुद के हैं और सामने वाले टीम लूल होगा, उनको पीटने में ज़्यादा इजी रहेगा। स्टेज वन किसी तरीके से आप क्लियर कर लो, तब आगे स्टेज टू, फिर आपको 1000 CP मिल सकता है। अब भाई बात यहाँ पे आता है, हम अपना रैंक को कब पुश करें। देखो, 21 को हमारा लास्ट गेम होने वाला है टूर्नामेंट का, ठीक है। 21 को ख़त्म हो गया, उसके बाद से हमको 10 से 15 दिन का गैप मिलेगा हमको रैंक पुश करने के लिए। आपका रैंक और आपके फ्रेंडों का रैंक लेजेंडरी होना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिल सके स्टेज टू में। और स्टेज टू स्टार्ट होने वाला है भाई मई से, अभी 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा स्टेज टू। फिर उसके बाद 3, 4, 5 आएगा, हमको जो CP मिलने वाला है वो स्टेज टू में ही मिलेगा। ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा न्यूज़ है। और आपको अगर CP चाहिए तो आपको कम से कम 5 या 6 की टीम चाहिए, क्योंकि भाई आपके पास खुद का भाई 5-6 का टीम होना चाहिए ताकि आप गेम को खेल सको स्टेज टू में। अगर आपको पता नहीं है तो मैं पहले से बता देता हूँ, भाई स्टेज वन में जैसे आप खेल रहे हो ना रैंडमली किसी के साथ, स्टेज टू में वैसा नहीं होगा, उसके लिए टीम होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास टीम नहीं है तो नीचे भाई कमेंट कर देना, मैं उसको पिन कर दूंगा और उनके साथ आप लोग टीम बना सकते हो। और भाई जिसके पास टीम नहीं बनी स्टेज टू के लिए, तो भाई CP तो भूल ही जाओ, उसको CP पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और बाकी अगर आपको जानना है स्टेज टू का रिवॉर्ड्स क्या है, भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोगों ने नहीं किया तो, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है, 1000 CP कैसे लेना है इस टॉपिक पे बात करेंगे नए वाले वीडियो में। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आई लव यू ऑल, और अपना ध्यान रखना।